Assalamualaikum children. I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. This is your English teacher, and today I will be teaching you kinds of pronoun. Right? In previous video lecture, I had taught you what is pronoun and how many kinds it has. Now today we are

किस को रेफर करता है वो अब हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन और स्पीकर आई एंड वी फर्स्ट पर्सन कौन हो गया जो बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं या हम बोल रहे हैं सेकेंड पर्सन लिसनर सुनने वाला जो मैं बोल रही हूँ जो स्पीकर बोल रहा है वो लिसनर सुन रहा है राइट right? उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं या लिसनर कहते हैं थर्ड पर्सन और दिस पर्सन स्पोकन अबाउट थर्ड पर्सन या जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ही शी इट दे ठीक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी लड़की किसी लड़के किसी जानवर या बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं थर्ड पर्सन तो डियर चिल्ड्रन मैंने यहाँ पे क्या बोला पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी शख्स इन तीन शख्स की ओर इशारा करे पहले ही जो बोलने वाला है या बोलने वाले हैं दूसरा सुनने वाले हैं या सुनने वाला है तीसरा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी किसी एक शख्स के बारे में किसी जानवर के बारे में या बहुत सारे शख्सों के बारे में ठीक अब हम ये एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है I am a student. We are going on picnic. First person. I यहाँ पर क्या है? Personal pronoun. We क्या है? Personal pronoun. First person. First person. ठीक? हम यहाँ पे ये यह बोल रहा है मैं एक student हूँ हम पिकनिक पे जा रहे हैं ये क्या है बोलने वाले राइट स्पीकर फर्स्ट पर्सन नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मिस्टर रिजवान हैज कॉल्ड यू यू कैन यूज मई पेंसिल आप किसी को बोल रहे हो वो सुन रहा है मिस्टर रिजवान ने आपको बुलाया आप मेरा पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सुन रहा है आपकी बात यहाँ पे सेकंड पर्सन ठीक फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है अब थर्ड पर्सन ही लिव्स नियर माई हाउस शी इज योर कजन इट्स अ गुड बुक दे आर योर पेरेंट्स अब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक वो मेरे घर के सामने रहता है वो मेरी कज़न है ये अच्छी किताब है वो मेरे पेरेंट्स है जब हम किसी के बारे में बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन So, dear children, uh, be attentive. It's a bit difficult to understand, but uh, when you take it seriously and concentrate on it, you will get to know it easily. Right? So, what I told you, I told you um, a personal pronoun refers to three persons. First person, that's a speaker, Bhonnewala. Second person, listener, Sunnewala. थर्ड पर्सन किसी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दी मैंने तो इन एग्जाम्पल्स को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ आएगा फर्स्ट पर्सन ये बोल रहे हैं सेकंड पर्सन ये सुन रहे हैं थर्ड पर्सन हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो मूविंग अहेड वी विल लर्न मोर अबाउट पर्सनल प्रोनाउन चार्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई या मी सिंगुलर जब आप एक के बारे में पता है आपको जब एक सिंगल शख्स के बारे में आप बात करें दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और मी होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूलर वी एंड अस जब हम जहाँ फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं मैं कर रही हूँ बात मैं कर रही हूँ बात हम कर रहे हैं बात ठीक बहुत सारे वी सेकेंड पर फर्स्ट पर्सन प्लूलर में वी एस तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू एंड यू सेकेंड पर्सन प्लूलर में भी यू ऑब्जेक्ट में भी यू क्यों क्योंकि आप जब बहुत सारों के बारे में बात करते हैं तब भी आप यू लगाते हैं जब आप सिंगल शख्स के बारे में बात करते हैं, तब भी आप यू लगाते हैं नाउ कम टू थर्ड पर्सन सिंगुलर बट नॉन लिविंग जब होगा हम्म hmm? जब कोई नॉन लिविंग डॉग बुक ट्री उसके साथ इट लगता है ऑब्जेक्ट में भी इट लगता है तो थर्ड पर्सन प्लूलर दे ठीक फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आप स्पीकर हैं सेकेंड पर्सन यहाँ पे आप लिसनर हैं थर्ड पर्सन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में वेदर इट इज नॉन लिविंग और लिविंग समझ गए आप राइट सो डियर स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज पर्सनल प्रनाउन नाउ वी विल डिसकस अबाउट दिसकेंड टाइप दैट इज पॉजिटिव प्रोनाउन वट इज़ अ पॉजिटिव प्रोनाउन इट शोज पोजेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहते हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये किस का जिक्र करता है या किस को डिफाइन करता है पोसीशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग पोसीशन हो गया जिसके ऊपर आपको कंट्रोल हो जो आपकी चीज़ हो हाँ जिसको आप ओन करते हो जिसको आप कंट्रोल कर जो जो टोटली totally आपकी हो हुँ? उसको वो उस पॉजिटिव प्रोनाउन उसी को कहते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे द शॉप इज़ अवर्स द नेकलेस इज़ यर्स दैट बॉल इज़ हिज द शॉप इज़ देअर्स तो माइन कंट्रोल मेरा कंट्रोल इस बुक पे पूरा मेरा कंट्रोल है है मेरी है। ये दुकान हमारी है मतलब ये हमको बिलोंग करती है ये नेकलेस पूरा आपका है ये बॉल उसकी है ये शॉप उनकी है समझ गए माइन आवर्स ये सारे क्या है पॉजिटिव प्रोनाउंस राइट So, dear children, today uh, I'll stop here. In the next video, we will discuss more about kinds of um, pronouns. Okay? Till then, stay safe and Allah Hafiz.